सो फाइनली हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मयंक भाई झांसी में आपका स्वागत है। तो फाइनली न्यू ब्लॉग लेके आ चुके हैं झोकनबाग की महारानी। चलिए भाई काफ़ी दूर से आई हैं, जबलपुर से, है ना, जबलपुर से भाई काली जी बन के आई है। पहले आपको काली जी के दर्शन कराते हैं। फिलहाल सामने है भाई झोकनबाग की महारानी, कितनी बढ़िया लग रही है महारानी। और जो महारानी है काली जी, वो आई हैं जबलपुर से। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है जबलपुर महारानी के लिए, काली जी के लिए। और भाई कितनी सुंदर लग रही हैं काली जी। फिलहाल अभी रूप दूसरा है क्योंकि आज नवमे का दिन है और काली जी अष्टमी के लिए जो आरती हुई थी ना, तो मुकुट ढाक दिया गया। काफ़ी प्यारे बाल लगाए गए हैं काली जी के लिए। और फिलहाल अभी चल रहा है भाई भंडारा। ये जो भंडारा कराते हैं ये समिति के सारे भाई लोग कराते हैं, और मैंने अभी देखा है कि स्टील की थाली में भाई भंडारा कराते हैं, और काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी कम जगह देखने को मिलता है अपन को स्टील की थाली में। आप एक बार ही काली जी के दर्शन करिए पूरी अच्छी तरीके से, फिर आपको समिति के भाई लोगों से बात कराते हैं। अभी हम भाई हेमंत भाई से बात करते हैं और आपको काली जी के बारे में कुछ बताते हैं। हेमंत भाई ये बताइए, पहली बात तो काली जी आप लोग कहाँ से लाते हैं? भैया ये मूर्ति आती है जबलपुर से। जबलपुर से, जबलपुर से किन क्या बनती है, किन की कारीगर? कारीगर है अपने घनश्याम भैया। घनश्याम भैया यहाँ से बन के आती है। अच्छा, और यहाँ से आती है झोकनबाग नरेंद्र मसाला के पास, आरएसएस कार्यालय वाली गली है। हाँ, वहाँ ये स्थापना है किस वर्षों से। अच्छा, और लाते किस से आप? इनके आते हैं बड़े लोडर से आती हैं। हाँ, और इनका क्या है कि इनकी गाड़ी है, इनका रथ बना हुआ अलग से, उससे जाती है। इनकी मूर्ति की हाइट 12 से 13 फीट की हाइट रहती है। हाँ, और ये लक्ष्मीदाल के लिए 10 रुपए जाती है विसर्जन के लिए। चलिए अभी अपन को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, झोकनबाग की महारानी काफ़ी सुंदर है, जबलपुर से आई हैं भाई। आपको और भी दुर्गा जी और काली जी दिखाते आइएगा। काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे झोकनबाग की माँ काली जी दिखाइए, चलिए आपको माँ काली दिखाते हैं झोकनबाग की, आइएगा। फिलहाल सामने है भाई झोकनबाग की माँ काली जी, कितनी सुंदर लग रही हैं काली जी। और 4 से 5 फुट की काली जी की हाइट होगी। फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो आज भाई नवमे का दिन है, आपको सारी काली जी और दुर्गा जी दिखाने की कोशिश करेंगे जितनी कवर हो सकेंगे। ये देखिए भाई काली जी कितनी सुंदर लग रही हैं, एक बारी आप नेत्र देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं नेत्र। काफ़ी सुंदर रूप दिया है काली जी का, पकड़ी हुई काफ़ी प्यारी लग रही है काली जी की। अपने साथ समिति के सारे भाई लोग हैं और भाई अपने साथ हैं सब्सक्राइबर, तो चलिए ये सारे भाई लोग अपन को काली जी वगैरह दिखाते रहते, काफ़ी बढ़िया लगता है। फिलहाल आ चुके हैं भाई अपन लोग झोकनबाग पे, एक और दुर्गा जी दिखाने हैं आपको, कितनी सुंदर पंडाल लगाया है दुर्गा जी का। चलिए आपको अंदर चल के दुर्गा जी दिखाते हैं। फिलहाल सामने है भाई झोकनबाग की दुर्गा जी, कितनी सुंदर रहेंगी दुर्गा जी और काफ़ी प्यारी लग रही है माता, और श्रृंगार भी काफ़ी प्यारा किया गया है माता का, और काफ़ी सुंदर लग रही है। डिज़ाइन है ना जो पीछे का बैकग्राउंड मेहराब, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और श्रृंगार भी काफ़ी प्यारा है, और सजावट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, और जगह भी काफ़ी अच्छी है, तो भाई दुर्गा जी भी काफ़ी प्यारी बैठती हैं। चलिए आपको एक बारी पास से आपको दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। ये देखिए भाई दुर्गा जी कितनी प्यारी लग रही हैं। कल माता का विसर्जन है, तो कल माता विसर्जन हो जाएंगी फिर। चलिए आज जितना हो सकता है सारी कवर करेंगे दुर्गा जी। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। फिलहाल अभी आ चुके हैं खटकियानी की काली दिखाने, और रात के बज रहे हैं 1 और नवमी का दिन है। आप काली जी देखिए पगड़ी में भाई, कितनी सुंदर लग रही है। काजू यादव कौन है? काजू यादव। अभी चल रहा है काली जी का हवन स्टार्ट होने वाला। सुबह विश्वकर्मा कौन है? अभी काली जी का हवन स्टार्ट होने वाला है, फटाफट आपको और भी काली जी और दुर्गा जी की दर्शन कराते हैं, आइए। चलिए फिलहाल अपन लोग आ चुके हैं भाई लक्ष्मी गेट की काली जी दिखाने आपको, कितनी सुंदर बैठी है लक्ष्मी गेट की काली जी। माँ का जो रूप है काफ़ी प्यारा है, और श्रृंगार वगैरह भी काफ़ी प्यारा कर रखा है। फिलहाल अभी सजावट थोड़ी हट रही है क्योंकि कल है माता का विसर्जन, इस चक्कर में सजावट हटाई जा रही है क्योंकि मेन रोड पर बैठती हैं ये माता, और लक्ष्मी गेट की काली जी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने पिछली बार भी ये वाली काली जी कवर करी थी, लेकिन वो दूसरे चैनल पे करी थी मैंने, ये वाला भाई चैनल पे कर रहे हैं पहली बार काली जी कवर इस साल, और काफ़ी सुंदर लग रही है काली जी। और काली जी की हाइट देखेंगे तो 10 फीट की हाइट होगी लगभग लगभग। चलिए आपको और भी काली जी दिखाते हैं, आइएगा। और कल विसर्जन है तो भाई विसर्जन की भी और वीडियो दिखाएंगे। भाई लोगों ने बताई भी थी कि सब्सक्राइबर अपने तो काफ़ी बढ़िया लगता है आप लोग जब मिलते हैं। फिलहाल आपको एक और काली जी दिखाने आ चुके हैं लक्ष्मी गेट बाहर माटूलाल की बगिया के जस्ट सामने की गली में बैठती है ये वाली काली जी। काफ़ी सुंदर काली जी है भाई, काफ़ी बढ़िया लग रही है माता, और श्रृंगार है ना काफ़ी प्यारा किया गया है। एक बार आप पास से देख लीजिए काली जी कितनी सुंदर लग रही हैं, और जो नेत्र है ना काली जी के काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए भाई। और काफ़ी सुंदर सुंदर काली जी बैठी हैं, डेरा झांसी की काली जी हैं। चलिए आपको और भी काली जी दिखाते हैं, आइएगा। फाइनली भाई एक भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सागर गेट की दुर्गा जी दिखाइए, भाई ये देखिए आपकी दुर्गा जी सागर गेट की दुर्गा जी, और तिलियानी मोहल्ला के नाम से ऐसा कुछ बता रहे हैं भाई अभी, तो काफ़ी बढ़िया दुर्गा जी बिठा रखी है आप लोगों ने अभी, काफ़ी सुंदर दुर्गा जी है। ये देखिए भाई आप पास से दिखा देते रहे, शायद से भाई ऐसा लग रहा है
कन्हई पाल जी के यहाँ से आपने शायद से मूर्ति ली गई है, तो काफ़ी सुंदर दुर्गा जी बिठाई गई हैं आपकी और वहीं की मुझे लग रही हैं क्योंकि उस तरीके से श्रृंगार है। और ये देख लीजिए भाई, रात के 2 बजे का माहौल सागर गेट का, काफ़ी सुंदर माहौल है। अभी सजावट जो है ना समेट गई है सारी, और टेंट वेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट जा रहा है क्योंकि कल है विसर्जन और रात के 2 बजे आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा है। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं। अपन लो भाई एक काली जी और दिखाते हैं, सागर गेट की काली जी काफ़ी सुंदर बैठी हैं। कितने फुट की हाइट होगी भाई? 7 फुट की हाइट है काली जी की, और कलकत्ते की काली जी की जैसी काली जी है, और काफ़ी सुंदर काली जी बिठा रखी है। अभी आपको भाई जो सागर गेट की दुर्गा जी दिखाई हैं, इधर मिले अपने भाई सारे भाई लोग सब्सक्राइबर। अभी चल रहा था हवन मंदिर में, काफ़ी बढ़िया हवन कर रहे हैं सारे लोग भाई, अपनी वीडियो देखते हैं काफ़ी बढ़िया लगता। अब सारे लोग भाई ऐसे ही आप लोग ब्लॉग में आएंगे, काफ़ी बढ़िया है ये भाई, सारे लोग अच्छी तरीके से हवन कर रहे हैं। चलिए भाई रात के बज रहे हैं, कितने 2 बज रहे हैं ना आपकी, वो रही गाड़ी देख लो 2:20 हो रहा है, आपकी दुर्गा जी कवर हो चुकी है। ठीक है, अब आएंगी ब्लॉग में दशहरे के बाद। ठीक है, चलिए यहीं पे कहते ब्लॉग को एंड। क्या करना अब? लाइक शेयर सब्सक्राइब। बस धन्यवाद।